हाय, आज की वीडियो के लिए आई हैव स्विच दी प्लेसेस। आई हैव कम टू क्लिनिक फॉर सम वर्क, बट आई विल बी मेकिंग टुडेज वीडियो फ्रॉम क्लिनिक इटसेल्फ। सो येस्टरडे आई हैव सीन अ मूवी, इट्स कॉल्ड एडम प्रोजेक्ट। इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी। सो इन दिस मूवी देर इज रैन गॉसलिंग, सॉरी रैन रेनॉल्ड्स, एंड ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडम। और एडम जो है वो एक बच्चा है 12 साल का, वो भी एडम है। और ये 2050 से एक फ्यूचर से, इट्स टाइम ट्रैवल मूवी। फ्यूचर से वो पास्ट में आया है क्योंकि टाइम ट्रैवल को वो बंद कर देना चाहता है, क्योंकि जो इसका फादर था उसकी 2018 में डेथ हो गई है। मार्क रूसो ने उसका रोल किया, तो जो हल्क बनता है, तो इसकी 2018 में डेथ हो गई है क्योंकि इसके फादर की। तो इसका फादर जो था, ही वॉज अ की मेम्बर इन क्रिएटिंग दी टाइम ट्रैवल टाइम मशीन। तो उसके फादर की जो एक फ्रेंड थी, सॉरिन कंपनी चलाती थी, वो क्या करती थी, वो फ्यूचर से आके इसको स्टॉक्स वगैरह बता गई थी ताकि वो फ्यूचर में और ज़्यादा रिच हो पाए। कुछ ऐसे जो पैराडॉक्स है, टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स है, वो उसके अंदर ज़्यादा फंसे नहीं है ये। तो इन्होंने बता दिया कि जो सॉरिन थी वो बुरी औरत थी, लेडी थी, जो स्टॉक्स वगैरह कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या क्या करना है, सब बता देती थी पीछे पास्ट में आके अपने यंगर सेल्फ को। तो इसके चलते वो फ्यूचर में और ज़्यादा अमीर थी। तो ये सब जो है चल रहा था। तो एडम जो है ये वापस आया था कि टाइम ट्रैवल कैंसिल करना है। इसकी वाइफ भी थी, और वो भी पहले पीछे टाइम में गई थी देखने के लिए कि कोई पहले भी पीछे टाइम में आता रहता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने बड़ा फादर सन बॉन्ड बड़ा अच्छा बताया। वो अपने आप से ही यंगर सेल्फ से बात कर रहा है जब वो 12 साल का था। और फादर सन बॉन्ड से व्हाट आई मीन इज, वो वापस पास में 2018 में भी जाते हैं और वहाँ पे जाके मार्क रूसो से मिलते हैं, और वो मना कर देता है कि मेरे को बताना ना हाउ डू आई डाई एंड जस्ट बी हैप्पी। तो ऐसे करके एंड में वो बस वो जो टाइम मशीन है उसको ख़त्म कर देते हैं, अपने अपने टाइम जोन में वापस चले जाते हैं। और मार्क रूसो जो है वो 2022 में अलाइव नहीं होता, मतलब वो मर ही जाता है, जैसे जो होना होता है वही हो रहा होता है। 2050 में वो जो है अपनी वाइफ से भी मिल लेता है जिसको पास्ट में भूल गया होता है या छोड़ आया होता है, तो वैसा सा कुछ, क्योंकि टाइम मशीन नहीं बनी होती तो वो फ्यूचर से पास्ट में नहीं गई होती, मगर वो वहाँ पे जाके मिल जाता है उसको। कुछ पुरानी यादें भी नहीं रहती हैं इनकी। मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लगा कि क्योंकि जो देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेजा वू, जो हमें लगता है कि वी हैव बीन हेयर, वी हैव डन दीज थिंग्स, वी हैव सीन सराउंडिंग लाइक दिस अर्लियर, तो उस चीज़ को जो है उसी चीज़ को हम थोड़ा इससे देख सकते हैं कि हो सकता है टाइम ट्रैवल में हमने कभी पहले पीछे से पास में ये वो वैसे करके हम थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर सकते थे। ऐसा मुझे पिक्चर देखते देखते थोड़ा सा जैसे कुछ कुछ दिमाग में आता था वैसे आया था। अदर देन दैट मूवी इज जस्ट ओके, बहुत ज़्यादा टू ब्रैग अबाउट नहीं है, बट ठीक है। ये ऐसे रेड नोटिस भी ऐसी ही थी जैसी एडम प्रोजेक्ट है। रैन रेनॉल्ड जो है वो चालू पिक्चरें बनाता है, डेडपूल भी यही बनता है, तो बस वैसी ही पिक्चर थी, लाइट थी, कोई ज़्यादा फालतू दिमाग लगाना नहीं था। टाइम ट्रैवल था मगर ईजी वे में दिखाया था। ओके।